चिड़ाव महोत्सव को लेकर विधायक का बयान, बताया नाच गाने का कार्यक्रम, जनचर्चा ये कि क्या विधायक ने राजनीति के चक्कर में कर दिया नगर देव का अपमान। चिड़ाव महोत्सव पंडित गणेश नारायण बावलिया बाबा की स्मृति में आयोजित होने वाला 10 दिवसीय आयोजन, इसमें लोकल हुनर को एक मंच मिला जिसमें वो अपनी प्रतिभा को निखार सके और लोगों के बीच दिखा सके। ये एक प्रयास रहा चिड़ावा नगरपालिका व नगरपालिका चेयरमैन सुमित्रा सैनी टीम ए और बी का। अब इस पर विधायक जेपी चंदेलिया ने एक बयान दिया है जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। विधायक ने कहा है कि नाच गाना करने से शहर का विकास नहीं होता है। इस बयान के बाद जनचर्चा गर्म है कि क्या विधायक ने चेयरमैन पर कटाक्ष करने के चक्कर में नगर देव का ही तो अपमान नहीं कर दिया, क्योंकि इस उद्देश्य से ये आयोजन किया गया। वो पहला उद्देश्य था बावलिया बाबा की स्मृति में भव्य आयोजन करना, दूसरा मकसद था चिड़ावा को पर्यटन सर्किट से जुड़वाना। कि शहर में कोई गंदी राजनीति नहीं बननी चाहिए। मेरे से कोई गलती हो तो आप मुझे बताइए कि साहब ये डायरेक्शन आपका गलत है। फालतू के ड्रामेबाजी में कोई मतलब नहीं है। काम करें, जिसको भी आपने चुना वो काम करे, शहर में सफाई दे, शहर को स्वास्थ्य दे, शहर की अच्छी चीजों को अपनाए, शहर को ग्रीन करे, शहर में और सुविधाएं लाए। लेकिन खाली नाच गानों से शहर का विकास नहीं होने वाला। बहुत कुछ हो गया ड्रामा। मुझे भी किसी था इतने साथी ने कहा साहब बोलो। मैंने कहा भैया पहले देखें क्या हो रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। शहर का विकास करिए। 10 दिन ड्रामा हुआ, जमीन तो वहीं की वहीं है, साफ वैसी वैसी मिट्टी पड़ी है। मैं जाके आया हूं, जैसी मिट्टी थी वही मिट्टी पड़ी है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करिए, यह भी अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन इसमें कोई बात अपन ऐसी कर रहे हैं जो शहर के विकास के लिए कर रहे हैं। ये सब चीजें हैं। विधायक जी ने ऐसा बोला, मैंने भी न्यूज़ के माध्यम से देखा था ये चीज़। जो अपने क्षेत्रीय विधायक हैं उन्होंने जो बोला है वो मेरे तो देखो गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि पंडित जी का निर्माण उत्सव प्रोग्राम था ये, और जो एक दिन हुआ करता था उसको बढ़ाकर नारी शक्तियों ने मिल के, चिड़ावा की नारी शक्तियों ने मिल के, चिड़ावा की नागरिक ने मिल के उनको 10 दिन का आयोजन किया, जिसके अंदर नाच गाने वाली बात जहाँ तक मेरे ख्याल में है वो ऐसा कुछ प्रोग्राम, एक मंच दिया बहुत बड़ा, काफ़ी स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया उसके अंदर। आप बहुत सारे बच्चों को एक ऐसा मंच मिला जो आप बड़े बड़ी सिटियों के अंदर देखने को मिलते हैं, उनका हौसला कितना बड़ा हम जानते हैं। 3,000 से 4,000 बच्चों ने, स्कूली बच्चों ने, ओपन बच्चों ने उसमें भाग लिया प्रोग्राम में। मैं तो चाहता हूँ उनका चहमुखी विकास किया, एक नारी शक्ति सुमित्रा जी सैनी की पहल हुई और सारी नारियाँ मिलकर। ये नारियों का एक बहुत बड़ा अपमान है और पंडित जी का अपमान है। स्थानीय विधायक ने पंडित जी पे जो कार्यक्रम हुआ था 10 दिवसीय आयोजन, उस आयोजन को नाच गाने का कार्यक्रम बताया है, तो ये पंडित जी का, नारी शक्ति का और चिड़ावा की जनता का अपमान नहीं है क्या? पता नहीं, मैंने ऐसा अब कब उन्होंने किस किस परिप्रेक्ष्य में बोला है ये तो मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन शायद उनको उचित किसी ने फीडबैक नहीं दिया है। ये तो बावड़े बाबा का प्रोग्राम था, इसमें नगर पालिका तो एक बावड़े बाबा के लिए एक चिड़ावा की जनता की भावनाओं को देखते हुए एक श्रद्धा प्रकट कर रहे थे। प्लानी विधायक ने जो 10 दिवसीय आयोजन हुआ था पंडित जी की याद में, उसको नाच गाने का कार्यक्रम बताया है, क्या ये पंडित जी का, नारी शक्ति का अपमान नहीं है क्या? मैं एक बात बड़े साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि विधायक जी की मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो उनकी जो सोचने शक्ति है वो शायद कम हो गई है। जहाँ भी कार्यक्रम इनके हुए हैं, इनके समारोह हैं, वहाँ भी इन्होंने नाच गाने करवाए हैं, तो क्या नाच गाने का संबंध ही, अगर नाच गाने से अगर ये चिड़ाव महसूस सफल होता तो आप करवा के दिखाएं विधायक जी। ये उनकी मैं कहूँ तो एक घृणा की भावना है, ज्वलनशील की भावना है कि चिड़ाव महोत्सव में उन्हें याद नहीं किया गया। कारण था उसके पीछे, क्योंकि याद कब करते जब वो हमें सहयोग करते किसी बात को लेके। उनकी ये जो छोटी सोच है, जो नकारात्मक सोच है, यही कारण है कि अब वो केवल टिप्पणियां कर सकते हैं, करना उनके बस का नहीं रहा। टिप्पणियों के माध्यम से अपने आप को बचा के रखना चाहते हैं। मैं कड़े शब्दों में कहना चाहता हूँ, टिप्पणियां करना आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है।
चिड़ाओं में राइट टू हेल्थ योजना को लेकर एक दिवसीय हड़ताल से मरीज हुए परेशान, जानिए क्या कहा मरीजों ने। राइट टू हेल्थ योजना को लेकर एक दिवसीय हड़ताल पर निजी डॉक्टर रहे। एक दिन की हड़ताल का असर लोगों पर नजर आया। इलाज के लिए मरीज भटकते हुए नजर आए। अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ लेने पहुंचे मरीज व मरीज के परिजनों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मरीज के परिजनों ने बताया कि निजी अस्पताल के डॉक्टरों की हड़ताल से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उधर जब निजी चिकित्सकों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल का सिस्टम सरकार इतना मजबूत मानती है तो उस सिस्टम की रियलिटी चेक भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की हर योजना में अगर निजी अस्पताल का सहयोग नहीं रहता तो कोई भी योजना इतने बेहतर तरीके से कामयाब नहीं होती। हाँ जी, आप हॉस्पिटल आए हो, किस संबंध में आए हो? सर, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पर, क्योंकि बच्चा बीमार था, फीवर था, वोमिट हो रही थी, बट यहाँ के पता चला कि वो हड़ताल पे डॉक्टर और ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी, पहले गवर्नमेंट में था लेकिन यहाँ पर भी दिक्कत हो रही है, कहीं और जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर नहीं दिखा पाए आप? मतलब नहीं सर, ये बंद कर रखा है, अंदर गए ओपीडी में तो बोला कि सारे डॉक्टर छुट्टी पे, या फिर रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो भी सब छुट्टी पे हैं, आजकल स्ट्राइक पे। इसमें सरकार ने जैसे अपना गवर्नमेंट सिस्टम, ऑलरेडी लोक साहब ने बताया अपना गवर्नमेंट सिस्टम बना रखा, तो सरकार को एटलीस्ट अपने सिस्टम में तो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अब उनको उनका रियलिटी चेक भी हो जाएगा इस स्ट्राइक के थ्रू कि उनका गवर्नमेंट सेटअप कैसा है। दे आर एबल टू हैंडल द प्रेशर और नॉट एबल टू हैंडल द प्रेशर, तो इट्स जस्ट ए रियलिटी चेक फॉर देम कि वो क्या कर सकते हैं अपने गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू। और हम कोरोना काल की तरह से अगर कोई मेडिकल स्टोर पे जाकर के हमसे बात करता है तो मुझसे दवाई सजेस्ट करते थे, ह्यूमैनिटी के नाते। राइट टू हेल्थ योजना को लेकर जिले के निजी अस्पताल रहे बंद। एक साथ डॉक्टर्स बोले, हमसे जीने का अधिकार छीन रही है सरकार। राइट टू हेल्थ योजना को लेकर आज निजी अस्पताल ने एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल रखी, जिसको लेकर डॉक्टरों ने एक साथ इस बिल को लेकर अपना विरोध प्रकट किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार हमारे जीने का अधिकार छीन रही है। डॉक्टर सुभाष भारद्वाज, डॉक्टर एल के शर्मा, डॉक्टर किशोरी मिल, डॉक्टर अरुण सूरा, डॉक्टर राजेश सोमरा आदि ने कहा कि सरकार को राइट टू हेल्थ बिल लाने से पहले डॉक्टरों की राय लेनी चाहिए थी। इससे पहले से ही सरकार की योजनाओं का लाभ निजी अस्पताल दे रहे हैं। इस योजना में इमरजेंसी में फ्री इलाज करने की बात कही जा रही है, लेकिन इमरजेंसी कैटेगरी क्या होगी इसको लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। साथ ही किसी की भी शिकायत पर सुनवाई न करकर सीधा दंड की कार्रवाई करना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। कार्रवाई के लिए जिस पैनल में जो लोग शामिल किए गए हैं वो राजनीतिक लोग हैं। वहीं निजी अस्पताल के लिए फिलहाल कई कानून ऐसे हैं जिसमें शिकायत करने पर कार्रवाई होती है, तो फिर से एक अलग टीम बनाकर डॉक्टरों पर दबाव बनाना कहां तक उचित है? बिल जनता के हित में नहीं बल्कि डॉक्टरों के मौलिक अधिकारों का हनन है।